छत्तीसगढ़ के मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर को संयुक्त जिला घोषित किए जाने के बाद से ये स्थिति आज तक स्पष्ट नहीं हो पाई कि जिला मुख्यालय कहां बनेगा। चिरमिरी क्षेत्र में जिला मुख्यालय बनाने की मांग ने फिर जोर पकड़ लिया है। चिरमिरी जिला मुख्यालय बनाओ संघर्ष समिति के तत्वाधान में स्थगित आंदोलन ने 2 अगस्त से फिर जोर पकड़ लिया है। जिला मुख्यालय बनाओ की मांग को लेकर क्रमिक भूख हड़ताल पहले की तरह फिर से शुरू कर दी है, जिसमें आज लक्ष्मण प्रसाद बत्रीनाथ ने इस क्रमिक भूख हड़ताल में बैठकर फिर इसकी शुरुआत कर दी है। अगर छत्तीसगढ़ सरकार चिरमिरी के पक्ष में जल्द से जल्द कोई जिला मुख्यालय व अन्य कार्यालय के लिए अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं करता है, तो उस स्थिति में आगामी 13 अगस्त से मंच के सदस्य आमरण अनशन पर बैठने का निर्णय ले चुके हैं। इस संबंध में संस्था से जुड़े शेख इमाइल एवं पूर्व नगर पालिका निगम चिरमिरी की पार्षद रेशमा त्रिपाठी ने मीडिया को जानकारी देते हुए कहा, यहाँ के जनप्रतिनिधि अपना मोबाइल बंद कर चुके हैं, जिन्हें जनता की फिक्र नहीं है। मजबूरन जनता को आंदोलन का सहारा लेना पड़ रहा है और जब तक यहाँ कार्यालय नहीं खुलता तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। सरकार की तरफ से अभी तक चिरमिरी में जिला मुख्यालय कार्यालय खोला जाएगा ये बात अभी तक स्पष्ट नहीं हुई है, जिसके चलते चिरमिरी क्षेत्र की जनता ने छत्तीसगढ़ की राजधानी तक पैदल चलकर अपनी बात रखने के लिए मुख्यमंत्री तक पहुंचे, लेकिन पिछले 1 वर्षों से कोरोना के चलते प्रशासन के आदेश के अनुसार ये आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था, लेकिन पुनः प्रशासन की अनुमति से यहां की जनता की मांग को लेकर फिर एक बार क्रमिक भूख हड़ताल जारी कर दी गई है, जो कि 12 अगस्त तक समय सरकार के सामने यहाँ की मांग को लेकर स्थिति साफ करने के लिए संघ द्वारा समय दिया गया है। अगर समय रहते सरकार इस पर गौर करती है तो 13 अगस्त से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल के लिए चिरमिरी की जनता को बाध्य होना पड़ सकता है। कोरोना काल के बाद यह आंदोलन पुनः चालू हुआ, इसकी वजह क्या है? 17 अगस्त 2021 को हमने अपना आंदोलन प्रारंभ किया था जी। 5 जनवरी 2022 से कोरोना काल के बढ़ते प्रभाव के चलते SDM साहब, तहसीलदार के अनुरोध के बाद हमने अपने आंदोलन को कुछ दिनों के लिए स्थगित किया था। फिर पुनः हमने मार्च महीने से आवेदन करना शुरू किया कि हमको आंदोलन शुरू करना है, मगर उसकी परमिशन हमको नहीं मिल पाई थी। फिर उसके बाद 7 तारीख को फिर आवेदन किया, लेकिन हमने ये भी कहा था कि 1 अगस्त से अपना आंदोलन पूरा प्रारंभ करेंगे और 1 अगस्त से अपना आंदोलन को पूरा प्रारंभ कर दिए हैं। हमारा सिर्फ एक सूत्रीय मांग है कि चिरमिरी में जिला मुख्यालय का क्या स्थान होगा और चिरमिरी में जिला मुख्यालय अगर बनता है अगर क्यों नहीं बन पा रहा, इस विषय पर हम गंभीर हैं और यही हमारा स्थान। क्या छुपाना चाहते हैं? आपकी मांग क्या है, क्या चाहते हैं? हमारी मांग है कि हमारा चिरमिरी को जिला बनाया जाए, क्योंकि हमारा नगर निगम आपका क्षेत्र जिला घोषित हो चुका है। हाँ। अब आप क्या चाहते हैं? कहाँ घोषित हो गया है, ऑफिस कैसे चले गए वहाँ आपका मनेंद्रगढ़ में? नहीं, आपका हाँ, जिला हाँ, घोषित है। हाँ। लेकिन आपका कार्यालय कहाँ बनेगा, मुख्यालय ये आप हमको दिया जाए? नहीं तो आपने क्या क्या मांग रखी इस संबंध में? हमने मांग रखा है कि हमको कौन कौन सा कार्यालय दिया जा रहा है। क्या क्या रखे आप, क्या क्या मांग रखे, बहुत जो जरूरी है? स्वास्थ्य का जिला मुख्यालय बनाया जाए, हॉस्पिटल, एक आपका जो इनका है कलेक्टर ऑफिस यहीं दिया जाए, SP ऑफिस दिया जाए, हमको आगे की रणनीति क्या होगी आपकी? हम अपना भूख हड़ताल में बैठेंगे, अगर नहीं मिलेगा तो अपना ऐसा भूख हड़ताल करेंगे कि हमारा जान भी चले जाएगा, लेकिन छोड़ेंगे नहीं। चलिए बहुत देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।